सन 2023 की बंदीपुर के दंगल कमेटी की सबसे बड़ी कुश्ती अरविंद पहलवान उत्तर प्रदेश के शरी रितेश पहलवान गाजीपुर के शरी लमोटिया ने करा करके तैयार हो गया। बहुत सुंदर बारे राजन पहलवान यहां पर बैठा, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन में अपने गांव के भगेश्वरी माई को मना रहे हैं, अपने गांव के डीह बाबा को मना रहे हैं, यहां पर जगतदेव बाबा को मना रहे हैं, काली माई को खप्पर चढ़ाने के मना रहे हैं कि हे काली माई इज्जत बचा लिया तो के पियरी चढ़ाई, लेकिन सबकी इज्जत कहां टिकी है, राजन पहलवान के पहलवानी पर दाव पेश पर कुश्ती करा पर। तो एक बार राजन पहलवान के नाम पर ताली बजाइए और एक बार राकेश पहलवान के नाम पर ताली बजाइए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का यह पहलवान नहीं लड़ता रहता तो राजन से लड़ता कौन। चले सुंदर बाहर से दामन बजाइए, चलो दिल्ली वालों राजस्थान वालों जम्मू कश्मीर वालों अब तक तुमने पूर्वांचल का जंघिया पकड़ा है, अब पूर्वांचल वाला तुम्हारा जंघिया पकड़ रहा है, बचाओ करो। सुंदर अरे बाप जितना उम्र राजन पहलवान के है इतना उम्र में 90% भारत के युवाओं को शुगर हो जाता है, शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोरोना हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन इतना उम्र में भी राजन पहलवान अपने क्षेत्र के मानव सम्मान के नाम पर लड़ रहे हैं। DAW रेलवे में आप नौकरी करते हैं, क्षेत्र के सम्मान के नाम पर आज भी लड़ने को तैयार रहते हैं, गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं। शून्य काम बहुत सुंदर। इस कुश्ती के बाद उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद पहलवान और गाजीपुर के शनि रितेश पहलवान लोगों लगे तो आकर के खड़े पर आ जाए। इस कुश्ती में पखनपुर बंदीपुर का पहलवान विजयी रहा।